जी मिस्टर एनिमल, कौन सी मूवी देखने आए? हेलो, सुनाई दे रहा हूँ, बहरा नहीं हूँ मैं, एनिमल देखने आए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द व्लॉग। और आज हम देखने जा रहे हैं एनिमल मूवी। ये मूवी बहुत दिनों से हम लोग इस मूवी का वेट कर रहे थे, तो ये जो वीडियो होने वाला है इस पर रिएक्शन देंगे कि ये कैसी मूवी है और उसका आप लोगों को रिव्यू भी देंगे। तो हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए, चलिए देखते। तो मैं और अंजलि जा रहे हैं, बच्चे रहेंगे घर पे। हाँ जी अंजलि जी, तो आप रेडी है? तो आपके अंदर भी एक जानवर तो नहीं है? मरना तेरे को डर नहीं लगता? जानवर तेरे अंदर नहीं। थैंक यू। शिद्दत से करना पापा, ये मेरा लास्ट चांस है। हमारे घर के पास में ही वीवीआईपी मॉल है, वहां हम जा रहे हैं देखने के लिए एनिमल। अब हम सीखेंगे कि हाथ जोड़ के गंडासी कैसे मारी जाती है, मैं इस ब्लॉग में आपको दिखाऊंगा। तो चलिए सब लोग अंदर जा चुके हैं। मैं तुम्हें पता क्या कहना चाहती हूँ? अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने लो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। अपने हाथ से गला काटूंगा उसका। चलिए आज हम देख कर आए एनिमल के ओवरऑल रिव्यू की। तो ये जो मूवी के जो डायरेक्टर हैं, इनका नाम है संदीप रेड्डी बांगा, जिन्होंने अर्जुन रेड्डी और कबीर सिंह बनाई है। और एनिमल बिल्कुल डिफरेंट मूवी थी। इस मूवी में बहुत ज़्यादा वॉयलेंस है, और जिन लोगों को वॉयलेंस कम पसंद है थोड़ा सा, क्योंकि कबीर सिंह देखने के बाद काफ़ी सारे लोगों ने कहा था कि ये मूवी अलग है। तो जिन लोगों को कबीर सिंह समझ में नहीं आई, वो इस मूवी से बिल्कुल ही दूर रहे। और मैं एक और चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि इसमें रणबीर कपूर, रणबीर कपूर की बहुत ही बेहद उमदा एक्टिंग है। रणबीर कपूर के फादर के पास उसके लिए टाइम नहीं होता है, क्योंकि वो हमेशा अपने फैमिली बिजनेस में इन्वॉल्व रहते हैं ज्यादा, तो वो अपने बेटे को टाइम नहीं दे पाते। तो ये मूवी इस बारे में है। मूवी जो स्टार्ट हो रही है वो रणबीर कपूर के चाइल्डहुड से स्टार्ट होती है। वहाँ से दिखाते हैं कि वो किस तरह से अपने पापा के बर्थडे को लेके हमेशा एक्साइटेड होता है, कि अपने फादर को बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्ट करना चाहता है बड़े होते होते। उसमें कहानी में क्या होता है कि कोई उसके फादर को गोली मार देता है, तो किस तरीके से जो कहानी में ट्विस्ट आता है वो ये आता है कि अनिल कपूर को कोई गोली मार देता है, तो रणबीर कपूर लंदन जा चुका है, अमेरिका जा चुका। सॉरी तब स्टोरी एक अलग ही लेवल पे। तो फर्स्ट हाफ काफी अच्छा है मूवी का, तो फिर वो क्योंकि वो ये सब जानना चाहता है कि किसने मेरे फादर को गोली मारी और मैं उसके साथ क्या करूंगा, तो वो क्या करता है, ये सब देखने के लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। ओवरऑल बात की जाए मूवी का, फर्स्ट हाफ बहुत ही अच्छा है। रणबीर कपूर अपने बाप का बदला लेने के लिए ढूंढना चाहता है कि वो कौन है, किसने उन्हें मारा है और क्या है, वो सब चीज़ें वो फाइंड आउट करना चाहता है। मज़ा आएगा देखकर। मिड हाफ में क्या होता है ना कि मूवी थोड़ा सा बाप के उसको ढूंढने के बजाय वो कहीं और चली जाती है, थोड़ी सी मूवी का एंड होने वाला होता है, तो वहाँ पर आके मूवी वापस से अपने ट्रैक पर पहुँच जाती है। और बात करें तो एक और स्पेशल चीज़ है जिस पर इतने सारे मीम बन रहे हैं, वो रश्मिका का फेम, वो देखिएगा, मैं वीडियो में भी डालूंगा। यार चोक नहीं, रोग है। I really wish you die that day. मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा, इसके मुंह में पैदाशी सुपारी। वो है उस सीन में नहीं, वो मुझे लगता है स्टार्टिंग से ही, मुझे शुरुआत के जो उसके डायलॉग से मुझे समझ ही नहीं आए थे ये क्या बोल रही है। थोड़ा सा एसेंट का प्रॉब्लम है उनका, पर लेकिन अच्छी उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी है सच में, बहुत ही मजेदार। उसने वाइफ का रोल प्ले किया है, एक वो बहुत अच्छा था। हाँ, एक केयरिंग वाइफ का जो रोल प्ले किया है ना, बहुत ही सोबर केयरिंग वाइफ का, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा रोल। और ये हस्बैंड वाइफ का जो इनका एक बॉन्ड दिखाया वो भी अच्छा, बहुत अच्छा बॉन्ड है। तो फिर अब लास्ट में आते हैं कि अब इस सब में बॉबी देओल का है। बॉबी देओल का रोल बहुत ही छोटा है, पर जितना भी है वो काफी प्रभावशाली रोल है उनका, जो उनका बिना बोले ये सब कह देना और ये कर देना, वो सीन ना माइंड ब्लोइंग सीन है, आप देखिएगा आपको बहुत मजा आएगा। एक्चुअली बॉबी देओल की जो एंट्री है ना, जो स्टार्टिंग है, वो जो सॉन्ग बैकग्राउंड है ना, और ओवरऑल मैं एक बात बोलूं, बैकग्राउंड म्यूजिक पूरे में आपके अंदर के जानवर को जगा देगा, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। उसका जो म्यूजिक है ना, जहाँ पे चाहे वो रणबीर कपूर की एंट्री हो, यहाँ जहाँ पे भी उनके फाइट सीन चल रहे हो, या वो अर्जुन वेली सॉन्ग है, वो सारे सॉन्ग इतने बढ़िया हैं, सब कुछ बैकग्राउंड म्यूजिक इतना बढ़िया है,
ओवरऑल सॉन्ग्स मैच कर रहे हैं मूवी से, बहुत बढ़िया। लेकिन तुमने लास्ट में नोटिस किया, चलो मैं बताती हूँ थोड़ा सा सीन है जिसमें दोनों लड़ रहे हैं, दोनों की फाइट दिखाई है। वो फाइटिंग सीन बहुत, फाइट के बैक, उस फाइट के भी बैकग्राउंड में गाना है बहुत अच्छा, वो कौन सा? हाँ, वो यूं ही रोने नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। वो बहुत अच्छा, बहुत सीरियसली बोला, इतने मतलब सेट बैठा है ना म्यूजिक। ओवरऑल बात की जाए मूवी की तो मूवी बहुत अच्छी है, अगर आप रणबीर कपूर की एक्टिंग देखेंगे लेवल है उसका। और मैं बता रहा हूँ, जब एक स्क्रीन पर रणबीर कपूर या अनिल कपूर है तो भी उस टाइम पर एनर्जी बहुत हाई है, और रश्मिका और रणबीर कपूर है तो बहुत ज़्यादा बढ़िया। बट बोलना चाहूँगा बच्चों को ये पिक्चर दिखाने के लिए ना लेके जाए अच्छा। और जो मैं एक बात और मैं कहना भूल गया, जब रणबीर कपूर कोई डायलॉग बोल रहा है ना तो वो टाइमिंग के टाइम पे जो वो आपके अंदर भी फायर लग जाता है, वो इतना अच्छा बोलता है चीज़ों को, ज़बरदस्त अनमैचबल। हमने संजू देखी, हमने ये आपका रॉकस्टार देखी, वो सबसे अच्छी परफॉर्मेंस मुझे सर में जनरली, वो भी अच्छी मूवी थी बट ये बहुत अच्छी मूवी है, बहुत अच्छी मूवी है। यार एक चीज़ और बताना चाहूँगी जो मैंने आज स्टेटस में नोटिस की, कि लोग को ये लगा कि जब वो फादर और सन की बातें हो रही होती है तो लोगों को लगा ठीक है मूवी शायद खत्म हो गई है, बट जब तक मूवी खत्म ना हो तुम्हें लगे स्क्रीन छोड़ के नहीं जाना है, स्क्रीन पे अब हमारे स्क्रीन पे ना नाम आने लगे तो चलो चलते हैं कुछ ऐसा, टाइटल्स आने लग जाते हैं। सच में ट्रस्ट मी, मैं रिवील नहीं करना चाहती हूँ, बट हमने एंड तक पूरी मूवी, एंड तक मूवी देखना, यू गेट टू नो देयर इज समथिंग वेरी स्पेशल इन द एंड, एंड यू आप देखिएगा, देखना मजा आएगा आप लोगों को। तो आप कितने रेटिंग देंगे इस मूवी को? I will give 8.8, 8.9 और मैं दूंगा 9। मुझे बहुत अच्छी लगी, बस थोड़ा सा एक पॉइंट इसलिए कट गया, वो थोड़ा सा जो मूवी का थोड़ा सा आउट ऑफ ट्रैक गई थी उसके लिए। हाँ। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, अगला व्लॉग भी बहुत बढ़िया आएगा, तो प्लीज़ आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हम इसी तरीके की वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे। और अगर आपको लगा है कि हमने अच्छे रिव्यू दिए हैं तो फिर बताना, हम आगे भी मूवीज के रिव्यू आप लोगों को देंगे कमेंट में जरूर। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियो को। यस, थैंक यू, बाय बाय।